रखरखाव के अभाव में पाक की हालत हुई बदतर। झूले व जिम का सामान हुआ क्षतिग्रस्त तो शौचालय बंद पड़े। कस्बे के एकमात्र पाक के सौंदर्यीकरण व शौचालयों के निर्माण पर नगर पालिका द्वारा यहां 3 माह पहले ही 30 लाख की लागत लगाई गई थी, लेकिन रखरखाव की उचित व्यवस्था न होने के कारण बच्चों के मनोरंजन के लिए लगाए झूले व कसरत करने के लिए लगाई गई मशीनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तो नए बनाए गए शौचालयों पर ताले लटके हुए हैं, जिसके कारण यहां खर्ची गई रकम बेकार सिद्ध हो रही है। पाक के गेट पर ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त शौचालयों का निर्माण करवाया गया, लेकिन पाक को विकसित करने के बाद यहां रखरखाव की उचित व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण झूले व कसरत करने की मशीनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। फव्वारे कुछ दिन चलने के बाद ही पाइप क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण बंद पड़े हैं। पाक में केवल नया घास लगाने के अलावा पुराने पेड़ों को पेंट करने का ही काम किया गया। हरियाली व खूबसूरती के लिए पाक में कोई भी फूलों या सजावटी नया पौधा नहीं लगाया गया। योजना थी कि पाक की दीवारों पर संदेश देने वाली चित्रकारी की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि इसकी बजाय निजी विज्ञापन नजर आ रहे हैं। पाक में लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त शौचालयों का निर्माण करवाया गया है, लेकिन इन शौचालयों पर ताला लटका होने से लोगों को यह सुविधा नहीं मिल पा रही है। नगर पालिका द्वारा पाक के रखरखाव के अभाव में यहां खर्ची गई रकम बेकार होने के अलावा लोगों को पाक का लाभ नहीं मिल पा रहा है।